हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है प्रेशर कॉफिशेंट। इससे पहले हमने किया था इंस्पेक्शन एनालिसिस, देन उसके बेस पर हमने रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन किया था। आज हम उसी के बेस पर डिफाइन करने वाले हैं प्रेशर कॉफिशेंट को, ठीक है बेटा। तो अगर अब तक आपने इंस्पेक्शन एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देखना, फिर प्रेशर कोफिशिएंट को अच्छे से समझना। ओके बेटा, देखो द सेकेंड नॉन डायमेंशनल नंबर इन डबल स्टार इक्वेशन में, ठीक है। अब देखो, जब डबल स्टार इक्वेशन हमने इंस्पेक्शन एनालिसिस में जो सबसे लास्ट की इक्वेशन फाइंड की थी उसमें हमारे पास तीन नॉन डायमेंशनल नंबर्स निकल के आए थे, या थ्री नॉन डायमेंशनल क्वान्टिटी निकल के आई थी। दिस इज द नंबर वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट को हमने बता दिया कि इसका जो रेसिप्रोकल है वो रेनॉल्ड्स नंबर है। अब बात आती है सेकंड वाले की, तो सेकंड मेरे पास ये है, ठीक है, तो वो सेकंड की ही बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो हमने डबल स्टार इक्वेशन में जो सेकंड हमारे पास नॉन डायमेंशनल नंबर है इसके बारे में पहले बताएंगे, फिर इसको ही हम तो प्रेशर कॉफिशेंट है उस के बारे में, मतलब किस तरीके से जैसे इसको रेनॉल्ड्स नंबर से किया था ना, ऐसे इसको करेंगे, ठीक है। पर ये जरूरी नहीं कि रेसिप्रोकल किस तरीके से, वो आगे बताया जाएगा। अभी इतना आपको समझना है कि डबल स्टार इक्वेशन में मेरे पास ये थ्री नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी निकल के आई थी, जिसमें से जो सेकेंड है, सेकेंड नॉन डायमेंशनल नंबर है, उसी से हम प्रेशर कॉफिशिएंट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बताया गया है कि जो ये सेकेंड यहाँ पे नंबर है, सेकेंड नॉन डायमेंशनल नंबर है, इसके बारे में। तो ये सेकेंड नॉन डायमेंशनल नंबर है, ये इंश्योर डायनेमिकल सिमिलैरिटी इन टू फ्लूइड्स एट पॉइंट्स वेयर विस्कोसिटी इज अनइम्पॉर्टेंट। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि जो मेरे पास ये सेकेंड नॉन डायमेंशनल नंबर है, ये मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास टू फ्लूइड्स हैं किसी भी पॉइंट्स पर, जो दो फ्लूइड हैं, फ्लूइड्स हैं, ठीक है, उनमें जो डायनेमिकल सिमिलैरिटी होती है उनको क्या करता है, इंश्योर करता है। और जहाँ पे मेरे पास विस्कोसिटी क्या होती है, अनइम्पोर्टेंट होती है। इतना क्लियर। सच पॉइंट्स वुड अगर एट स्टेशन रिमोट फ्रॉम द बाउंड्री। तो इस टाइप के जो मेरे पास पॉइंट्स हैं वो मेरे पास क्या होते हैं, बाउंड्री से थोड़ा सा दूर स्टेशन पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब दूर प्रेजेंट होते हैं, इतना ध्यान रखना। तो इसमें जो ये मेरे पास ये क्वांटिटी है, ये हमारे पास क्या करती है, कोई भी पॉइंट है उस पर दो फ्लूड है उसकी डायनेमिकल सिमिलैरिटी को निश्चित करती है, जहाँ पर विस्कोसिटी क्या होती है, अनइम्पोर्टेंट होती है। तो इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं वो बाउंड्री से थोड़ा सा दूर प्रेजेंट होते हैं। इतना क्लियर, ये तो मैंने इसके बारे में बता दिया। अब दिस नंबर इज कॉल्ड द प्रेशर कॉफिशिएंट। इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर कॉफिशिएंट। रेनॉल्ड्स नंबर में क्या था, इसका रेसिप्रोकल बोल दिया था, बट यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है। इसी नंबर को हम प्रेशर कॉफिशिएंट बोलेंगे और इसको डिनोट करते हैं सीपी से। इतना क्लियर, पी जो है वो नीचे लगा हुआ है, इतना क्लियर। तो ये मेरे पास, अगर यही नंबर मेरे पास क्या है, प्रेशर कॉफिशिएंट है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दिस, ये चीज मैंने लिख दिया। इतना क्लियर, तो ये एक डेफिनेशन होगी। अब देखो इसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या है। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो डेट प्रेशर फोर्सेस, जो हमारे पास वही इंस्पेक्शन एनालिसिस में मैंने बात की थी इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उसी में। तो जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें जो प्रेशर फोर्सेज है वो टर्म लाइक एस दिस, कल पी अपॉन कल एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था जो इनर्शिया फोर्स है वो मेरे पास इससे रिलेट होगा, जो प्रेशर की बात करें तो प्रेशर वाले इस पे जाओ, तो प्रेशर मेरे पास क्या, हाँ कहाँ है, कल पी अपॉन कल एक्स। तो मेरे पास जो यहाँ पे प्रेशर वाला पोर्शन होगा, प्रेशर फोर्स का, वो मेरे पास कम लाइक एस दिस। हमें और कहीं से नहीं जाना कि प्रेशर फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, इनर्शियल फोर्स का क्या होता है, उस पर नहीं जाना। हमारे पास जो डायनेमिकल सिमिलैरिटी में हम बात करें, इंस्पेक्शन एनालिसिस में जो बात करें, वहाँ पे जब मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उससे रिलेटेड हमें बात करनी है, ठीक है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन था मेरे पास, इसमें जो मेरे पास ये टर्म है, ये मेरे पास क्या है, प्रेशर फोर्सेस, टर्म लाइक एस, जैसे कि ये।
ठीक है। अब इसको वही चीज़ ऑर्डर में चेंज करना है, तो ऑर्डर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे लेंथ से रिलेटेड है। तो सिंपल सा है, प्रेशर ऊपर वाले को पी से, प्रेशर से या नीचे वाले को लेंथ एल से। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। किस तरीके से ऑर्डर में आया, इस तरीके से आया। अब मेरे पास यहाँ पे हम निकालेंगे प्रेशर फोर्स अपॉन इनर्शियल इनर्शिया फोर्स। अब इनर्शिया फोर्स तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, इनर्शिया फोर्स मेरे पास यहाँ पे क्या था, मेरे पास रो यू कल यू अपॉन कल एक्स। तो इसको हमने किस ऑर्डर में चेंज किया था, रो एज इट इज, ये मेरे पास क्या होता वेलोसिटी से, तो कैपिटल यू, यहाँ पे वेलोसिटी से तो ये, और अपॉन में ये लेंथ से तो लेंथ, तो रो यू स्क्वायर अपॉन एन, तो वही चीज, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वहाँ से लेके आने हैं, हमें कहीं और से नहीं लाने हैं, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप वहीं से लेके आने हैं। अब इनको ध्यान रखने का तरीका ये है कि ये मेरे पास, मैंने आपको बोल दिया नेवर स्ट्रेक इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे तो वहाँ से ये निकल के आएगा। यहाँ पे मेरे पास ये बॉडी है तो बॉडी फोर्स का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर है तो प्रेशर वाले में यूज़ हो गया, ठीक है। और ये मेरे पास विस्कस से रिलेटेड है क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे जो ये न्यू है ना, न्यू ये मेरे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, कॉफिशिएंट है। तो यहाँ से इसको भी ध्यान रख सकते हो, विस्कोसिटी का कॉफिशिएंट इसके साथ आ रहा, तो ये उसकी टर्म्स होंगे। तो ये मैं आपको माइंड में मतलब किस तरीके से सेट रखना है वो चीज़ बता रही हूँ, ठीक है बेटा। इतना काम हो गया हमारे पास। अब देखो, मेरे पास यहाँ पे मुझे निकालना है प्रेशर फोर्सेस अपॉन इनर्शिया फोर्स। तो प्रेशर फोर्स का मेरे पास ये आ गया, इनर्शिया फोर्स का मेरे पास क्या होता है ये, ठीक है। वही सेम चीज़, पास वाले एक साथ, दूर वाले एक साथ। तो दूर वाले ऊपर चले जाएंगे और पास वाले जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। अब L से तो L कैंसिल हो गया मेरे पास, यहाँ पे P अपॉन रो यू स्क्वायर। अब क्या यही मेरे पास है, P अपॉन रो यू स्क्वायर, दिस इज सेकेंड। तो यहाँ से इसकी सेकेंड डेफिनेशन आ गई। सेकेंड डेफिनेशन मेरे पास बेटा क्या निकल के आई, कि जो मेरे पास CP है gives the relative importance of the pressure force to the inertia force, ठीक है। जैसे वहाँ पे रेशियो का, यहाँ पे मतलब ये importance, relative importance है हमारे पास pressure force to the inertia force। तो यहाँ से pressure coefficient का सिंपल सा फंडा यहाँ पे निकल के आ गया कि pressure force में जो यहाँ पे हमने जो निकाली थी inspection analysis में जो डबल स्टार इक्वेशन थी, उसमें जो सेकेंड नॉन डायमेंशनल नंबर है, ये मेरे पास क्या है, किसी पॉइंट पर दो फ्लूड की डायनेमिकल सिमिलरिटी को निश्चित करता है, जहाँ पर विस्कोसिटी मेरे पास क्या होती है, अनइम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसे पॉइंट जो है बाउंड्री से दूर प्रेजेंट होते हैं, तो इसी नंबर को मैं बोलूँगी प्रेशर कॉफिशेंट, ठीक है, दे दिया। फिर हमने क्या देखा, प्रेशर कॉफिशेंट को प्रेशर फोर्स अपॉन इनर्शिया फोर्स से निकाल के देखा, इनकी रेशियो। तो जब रेशियो निकाली तो मेरे पास यहाँ पे प्रेशर कॉफिशेंट ही निकल के आया। तो प्रेशर कॉफिशेंट की सेकेंड डेफिनेशन ये आ गई कि जो मेरे पास प्रेशर कॉफिशेंट होता है वो मुझे गिव्स मतलब देता है, रिलेटिव इम्पोर्टेंस देता है ऑफ द प्रेशर फोर्स टू द इनर्शिया फोर्स, ठीक है। तो इतना सा छोटा सा ये टॉपिक था, बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा। जब हम नेवल स्टोक इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे तो वहाँ पे जो इनर्शिया फोर्स है तो वो इन टर्म से रिलेट करेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। बॉडी फोर्स यहाँ पे आएगा मेरे पास क्योंकि ये बॉडी फोर्स से रिलेट कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर से रिलेट कर रहा है। बेटा आपको सिर्फ ये चीज़ समझ आ गया, और जो लास्ट वाली टर्म जो हम विस्कस फोर्स से रिलेट कर रहे हैं, देखो बेटा यहाँ पे एक तो न्यू है, न्यू मेरे पास काइनेटिक कॉफिशिएंट आ गया विस्कोसिटी का, तो यहाँ पे विस्कोसिटी मतलब विस्कस फोर्स से रिलेट हो गया। दूसरी चीज़ है न्यू और रो है, तो न्यू की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, न्यू अपॉन रो, तो म्यू अपॉन रो करूँगी तो यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा जो इसकी वैल्यू है वो मेरे पास निकल के आएगी प्लस के म्यू। अब म्यू मेरे पास क्या होता है, विस्कोसिटी का कॉफिशिएंट होता है, विस्कोसिटी का कॉफिशिएंट और विस्कस फोर्स की बात करें तो दिस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको माइंड में ध्यान रखना है कि कहाँ से क्या 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 चीज़ें आई। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको उनकी नीड है। आपको सिर्फ इस
ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, इससे रिलेट करके जाना है कि इनर्शिया फोर्स यहाँ से आ गया, बॉडी फोर्स यहाँ से, प्रेशर फोर्स यहाँ से, इस तरीके से। और ये मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है। और विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है तो विस्कस फोर्स है वो यहाँ से आ गया, ठीक है, इस तरीके से।